तनु की वजह से मैं ऐसा क्यों करूंगी? तो फिर क्या वजह हो सकती है कि तुमने तनु के लिए इतना बड़ा कदम उठाया? कभी उसके लिए जिसे तुम पसंद भी नहीं करती। You know what this proves? ये प्रूव करते हैं कि तुम्हारा दिल बहुत साफ है और बहुत बड़ा भी। और जिसका दिल साफ और बड़ा होता है ना, वो कभी किसी का दिल नहीं तोड़ सकते। तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया वो तनु की वजह से किया है ना। बोलो ना मुझे प्रज्ञा कि वो सब झूठ था और उस झूठ की वजह तनु थी। तुम चुप क्यों? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। बोलो कि जो मैं तुम्हारी आंखों में देख रहा हूँ वो सच है, बाकी जो कुछ भी तुमने मुझे कहा वो सब झूठ। तो आप झूठ बोल रहे हैं, होश में आप सिर्फ नाटक कर रहे हैं। किसने कहा तुमसे मैंने शराब नहीं पी? मैंने बहुत शराब पी है। मैं 100 लीटर पी गया हूँ। झूठ बोल रहे हैं आप। जानती हूँ मैं आपको, आपकी आंखों में देखकर बता सकती हूँ कि आप होश में हैं या नहीं। कब से मेरी आंखों में देखकर जानने लगी हो? ये तो वही लोग बता सकते हैं ना जो एक दूसरे से प्यार करते हैं। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। जो गलती आपने मुझसे शादी करके की थी उसे मैं सुधारू। अगर मुझे पता होता कि आप और तनु एक दूसरे से प्यार करते हैं तो शायद मैं इस शादी के लिए हाँ नहीं। खैर, अब जब मुझे सब कुछ पता है तो मैं दो प्यार करने वालों के बीच में नहीं आना चाहती। बहुत इमोशनल होके अब प्रैक्टिकली डिसीजन लेना जरूरी है, जैसे पहले लिया करती थी। हाँ, थोड़े दिनों के लिए भटक गई थी, लेकिन अब सही रास्ते पर चलो। तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो प्रज्ञा। तुम्हें घर छोड़कर नहीं जा सकती और कोई तुम्हें जाने भी नहीं देगा। और अगर कोई रुकेगा तब भी नहीं रुकूंगी। तुम ये सब इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तनु प्रेग्नेंट है ना। लेकिन तुमने सोचा है कि अगर तनु प्रेग्नेंट नहीं हुई तब तुम्हारे चैलेंज का क्या होगा? जितने लोगों का तुमने दिल दुखाया है उन्हें फेस कैसे करोगी तुम? अब इस बारे में मैं तब बात करूंगा जब तनु की रिपोर्ट आ जाएगी, लेकिन तब तक के लिए मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। दोबारा अपने इस ड्रामे के लिए मेरी दादी का दिल मत दुखाना। एक बार पहले मैं उन्हें रोते हुए देख चुका हूँ, लेकिन शायद दोबारा मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा। रिक्वेस्ट। मुझे एक दिन दीजिए, मैं पता लगा दूं कि प्रज्ञा ऐसा क्यों कर रही है। जिस प्रज्ञा को आप लोग इस घर में लेकर आए थे ना, मैं उसी प्रज्ञा को वापस ले। अगर कल सब ठीक नहीं हुआ तो फिर क्या प्रज्ञा हमेशा के लिए ऐसे ही रहेगी जैसे वो अभी है? मैं उससे बात करके बात का हल निकालूंगी। नहीं नहीं, अभी ने कहा था कि मैं उसे एक दिन दूं, तो मुझे कल तक इंतजार करना चाहिए ना। हे भगवान, मेरे परिवार को किसी की नजर लग गई है। मेरे परिवार को बुरी नजर से बचाना वाहेगुरु। बस कल सुबह सब पहले जैसा कर देना। हाय रब्बा, मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे वहां प्रज्ञा है? आकाश की शादी रचना से मैंने कराई है, रचना मेरी जिम्मेदारी है। उसके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी इसका। अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ तो मैं आवाज उठाऊंगी जरूर, मेरे सामने चाहे कोई भी। मुझे एक दिन दीजिए, मैं पता लगा दूं कि प्रज्ञा ऐसा क्यों कर रही है। जिस प्रज्ञा को आप लोग इस घर में लेकर आए थे मैं उसी प्रज्ञा को वापस ले आऊंगा।
मेरे सबर का इम्तिहान मत ले। तुझे इस घर की बहू बनाने का फैसला मेरा और आज तक मेरा फैसला कभी गलत नहीं हुआ। अगर तू मुझसे इस तरह बात करेगी तो मैं ये सोचूंगी कि तू ही मेरी सबसे बड़ी और पहली गलती है। और रही बात इसकी, इससे पहले ये तो पूछ ले कि मैंने इसे कोई काम करने को कहा भी है कि नहीं। एक मिनट, मैं पूछता हूं रचना, क्या तुम्हें दादी? नहीं आकाश, एक्चुअली दादी तो किसी नौकर को कह रही थी कि काम करने के लिए। पर मैंने सोचा कि अगर मैं ये काम कर दूंगी तो शायद दादी मुझे पसंद करने लगेंगी। किसी भी तरह अपने आप को रोक रहा हूँ, लेकिन अगर तुम नहीं रुकी ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। यही तुम्हें चाहती, जैसा आप रिएक्ट कर रहे हैं वैसा ही दादी रिएक्ट करे, वो भी कभी मुझे माफ न करे। उन्हें लगे कि मुझे इस घर में लेकर आना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी और वो मुझे इस घर से खुद निकाल। तुम समझ के नहीं हो, तन्नो प्रेग्नेंट नहीं है, वो झूठ बोल रही है। झूठ आपको लगता है, सच मैं जानती। कभी तुमने सोचा है कि अगर अगर तन्नो के रिपोर्ट्स नेगेटिव आ गए तो जो तुमने मेरी दादी और पूरे परिवार का दिल दुखाया है उसे कैसे ठीक करोगी? दादी जो बोलेंगी मैं करूंगी, जब तक वो मुझे माफ न करते उनकी हर सजा मंजूर होगी मुझे। लेकिन अगर रिपोर्ट्स पॉजिटिव आती है तो आप क्या करेंगे, आपने सोचा है? तो आप मुझे ऐसा करने से नहीं रोकेंगे ताकि दादी मुझसे नफरत करने लगे और मुझे खुद इस घर से निकाल दे और आप तनु को अपनी बीवी बना सके और उसके बच्चे को इस घर का नाम मिल सके। देर हो रही है, तनु इंतजार कर रही है। अभी तुम मुझे ये कहां लेके आए हो? कौन सा क्लिनिक है, डॉक्टर कौन है, मुझे सब कुछ जानना है। तुम अपना टेस्ट करवाने के बदले डॉक्टर का टेस्ट लेने आई हो और तुम उनसे इसलिए मिलना चाहती हो ताकि अपनी रिपोर्ट्स बदल सको ना? तुम किस तरीके से बात करते हो? जब देखो गुस्सा, जब देखो ताना, what's wrong with you? There's nothing wrong with me. There's something wrong with you. तुम मुझे फोर्स कर रही हो तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव करने के। मैं डॉक्टर से मिल गया था। इतनी परेशान क्यों लग रही है? Excuse me, ये क्लिनिक किसका है? I mean, यहाँ का ओनर कौन है? ये क्लिनिक यहाँ का ओनर कुछ अच्छा ही नाम था मैडम उनका, याद नहीं आ रहा है। तनु, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? एक टेस्ट ही तो है, कहीं तुम वाकई ये टेस्ट करवाने से डर तो नहीं रहे? प्लीज प्रज्ञा, मैं ये टेस्ट की वजह से टेंशन में नहीं हूँ। आई एम थिंकिंग अबाउट माय सेल्फ, आई एम अ मॉडल। यहाँ पर देख नहीं रही हो कितने सारे लोग हैं? बाहर किसी को पता चल गया कि मैं ये प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने आई हूँ तो? और अगर रिपोर्ट पॉजिटिव भी आ गई और अगर अभी ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो? यू नो ग्लैमर वर्ल्ड में कितना कॉम्पिटिशन है, एक मॉडल दूसरी मॉडल को बदनाम करने के लिए कुछ भी करती है। और अगर जहाँ से न्यूज बाहर गई तो मेरी इमेज खराब हो जाएगी, मेरा करियर तो खत्म ही हो जाएगा। मैं उस बारे में सोच रही हूँ, वो नहीं सोच रही हूँ जो तुम सोच रही हो। आई एम सॉरी, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखूंगी। इस क्लिनिक के बाहर किसी को नहीं पता चलेगा कि तुम यहाँ प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने आए। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर आपको बुला रहे हैं। तनु चले। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।